रिलेशन वाला है, द वैल्यू ऑफ द मैन, मतलब जो है आदमी की कीमत, एक आदमी की क्या कीमत होती है, गोविंद झा के द्वारा कहानी लिखित है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज घासीस कंप्लेंट, घासी की क्या शिकायत थी टू द पंचायत, पंचायत के लिए या पंचायत में घासी की क्या शिकायत थी। तो घासी की यह शिकायत थी कि कंछी दी ने उसका गधा चुरा लिया था, ये थी शिकायत। तो कैसे, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करके हम बनाएंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले लिखेंगे घासी की शिकायत, मतलब घासीस कंप्लेंट वाज दैट, ठीक है ना, वाज दैट, यह हो कि एक साथ नहीं लिखते हैं तो यह छोड़ देते हैं, की लिखते हैं। तो घासीस कंप्लेंट वाज दैट कंछी दी ने और फिर उसका गधा चुरा लिया था, परफेक्ट टेंस है, हेड सहायक क्रिया होगी। तो कंछेदी हेड स्टोलन, कंछेदी ने चुरा लिया था, हिज एज मतलब उसका गधा। तो घासीस कंप्लेंट वाज दैट, घासीस कंप्लेंट वाज दैट कंछेदी हेड स्टोलन, चुरा लिया था हिज एज उसका गधा। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हमने लिखा घासीस कंप्लेंट वाज दैट कंछे दी हेड सहायक क्रिया स्टोलन हिज एज, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि व्हाई डिड घासी नॉट बाय अ बाइसिकल, के घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी। तो घासी ने साइकिल इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी साइकिल नहीं चलाई थी, और यदि वह ऐसा करना शुरू कर देता तो उसे डर था कि वह अपने हाथ पैर तोड़ सकता है। तो इसे कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं पहली लाइन क्वेश्चन में, दूसरी लाइन जो है साइकिल जो है बाइसिकल कहा गया है, सवारी करना जो होती है राइड कहलाता है, राइड का थर्ड फॉर्म राइडन होगा यहाँ पे। और फिर अपने जीवन में मतलब इन हिज लाइफ, अपने जीवन में कभी नहीं के लिए नेवर होगा, और साइकिल के लिए अवाई स्किल होगा, ठीक। और यदि अब वह ऐसा करना शुरू कर देता है, शुरू कर देना स्टार्टेड होता है, स्टार्टेड डूइंग इट, ऐसा शुरू कर देता है तो उसे डर है, मतलब अफ्रेड है, वह भयभीत है कि अपने हाथ पैर के लिए जो लिखा गया लिम्स, लिखा गया लिम्स मतलब हाथ पैर, और तोड़ना जो होता है ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब तोड़ना, सकता था जो संभावना यदि होती है तो माइट के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला वाक्य के घासी डिड नॉट बाय अ बाइसिकल बिकॉज, ठीक है ना, पहली लाइन घासी डिड नॉट बाय अ बाइसिकल बिकॉज, क्योंकि उसने मतलब घासी की बात हुई है, ही लिखेंगे, हेड सहायक क्रिया होगी, ही हैड, अब यहाँ पे नेवर, नेवर नॉट नहीं चलेगा, नेवर राइडन कभी सवारी नहीं की थी, ठीक। और फिर आ बाइसिकल मतलब एक साइकिल, की नेवर लिख चुका है कभी नहीं के लिए, ठीक है। तो लिखा ही हैड नेवर राइडन, उसने कभी सवारी नहीं की थी आ बाइसिकल एक साइकिल की, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। तो ही हैड नेवर राइडन, उसने कभी सवारी नहीं की थी आ एक साइकिल की, मतलब आ बाइसिकल इन हिज लाइफ अपने जीवन में। एंड एंड इफ नाउ, और यदि अब, ठीक है, एंड इफ नाउ ही, यदि अब वह स्टार्टेड डूइंग इट, यदि वह ऐसा करना शुरू कर देता है, ही स्टार्टेड डूइंग इट, यदि वह ऐसा करना शुरू कर देता है तो फिर ही वाज अफ्रेड, उसे डर है, क्या उसे डर था, दैट की ही मतलब वह, ही माइट ब्रेक, वह तोड़ सकता था, हिज लिम्स मतलब अपने हाथ पैर तोड़ सकता था। तो कैसे बनाया जाएगा, घासी डिड नॉट बाय अ बाइसिकल बिकॉज, क्योंकि ही हैड, हैड यहाँ सहायक क्रिया, ही हैड नेवर राइडन, कभी सवारी नहीं की थी आ बाइसिकल एक साइकिल की, इन हिज लाइफ अपनी जीवन में। एंड एंड इफ नाउ ही स्टार्टेड डूइंग इट, तो ही वाज अफ्रेड दैट ही माइट ब्रेक हिज लिम्स। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहला वाक्य लिखा हमने घासी डिड नॉट बाय अ बाइसिकल, और फिर ही हैड नेवर राइडन अ बाइसिकल इन हिज लाइफ, एंड इफ नाउ ही स्टार्टेड डूइंग इट ही वाज अफ्रेड दैट ही माइट ब्रेक हिज
हिज लिम्स। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड घासी लॉस हिज एज, कि घासी ने अपना गधा कैसे खो दिया। अगला क्वेश्चन है, तो घासी ने रात को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से अपनी गधे को बांध दिया था, सुबह उसने वहां गधे को नहीं पाया, इस प्रकार जो है उसने अपना गधा खो दिया। इसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक। घासी ने क्या किया था, रात को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ से गधे को बांध दिया था, सुबह जो है उसने वहां पे नहीं पाया गधे को, इस प्रकार उसने अपना गधा खो दिया। तो कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम घासी ने, घासी ने। अब हेड साय क्रिया परफेक्ट टेंस बांध दिया था, और फिर साय क्रिया हेड लगाने के बाद टाई होता है बांधना, टाई का थर्ड फॉर्म टाइड, तो घासी हेड टाइड घासी ने बांध दिया था, द एज गधे को बांध दिया था विथ गुआवा ट्री मतलब अमरूद के पेड़ से, विथ गुआवा ट्री मतलब अमरूद के पेड़ से ऑफ मुखिया जी मतलब मुखिया जी के, ठीक, और वो भी एट नाइट मतलब रात्रि को या रात को, एट नाइट, ठीक है। तो फिर घासी हेड टाइड द एज विथ गुआवा ट्री ऑफ मुखिया जी, ऑफ मुखिया जी एट नाइट, ठीक। और फिर सुबह है, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग ही, अब यहाँ नेगेटिव पास्ट सिंपल का, ही डिड नॉट उसने नहीं पाया, ही डिड नॉट फाइंड उसने नहीं पाया, द एज मतलब गधे को, देयर मतलब वहाँ, तो ही डिड नॉट फाइंड नहीं पाया द एज गधे को, देयर वहाँ, ठीक। इन द मॉर्निंग देखा उसने, सुबह देखा, तो ही डिड नॉट फाइंड द एज देयर, इस प्रकार दूज मतलब इस प्रकार दूज, या इन दिस वे भी लिख सकते हैं दूज, इस प्रकार घासी ने अपना गधा खो दिया मतलब घासी ने लॉस्ट कर दिया हिज एज अपना गधा। तो कैसे बनाया जाएगा, घासी हेड टाइड द एज विथ गुआवा ट्री ऑफ मुखिया जी एट नाइट, इन द मॉर्निंग सुबह है, ही डिड नॉट फाइंड द एज देयर दूज, इस प्रकार घासी लॉस्ट हिज एज। तो सबसे पहले हमने लाइन लिखी, घासी हेड टाइड बांध दिया था द एज गधे को विथ गुआवा ट्री ऑफ मुखिया जी एट नाइट, इन द मॉर्निंग सुबह ही डिड नॉट फाइंड द एज देयर दूज, इस प्रकार घासी लॉस्ट हिज एज।